द कैपेसिटर इन फिगर इज इनिशियली अनचार्ज. इस कैपेसिटर पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है. क्यू इनिशियल इक्वल टू जीरो. द स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो. द फाइनल चार्ज मीन स्टडी स्टेट सिचुएशन की आपसे बात कर रहा है. ऑन द कैपेसिटर पे जो फाइनल चार्ज गिवन है क्यू फाइनल, इट इज़ गिवन यू पी इंटू 10^-5 कूलम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पी. अब देखो स्टडी स्टेट की सिचुएशन आ गई, वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर बिहेव है जो ओपन स्विच, यानी यहाँ से जो भी करंट चल रही है, जो भी चार्ज चल रहा है, इट विल फ्लो लाइक दिस बिकॉज कैपेसिटर बिहेव इज द ओपन स्विच. और अगर मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज, अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप लिखूँ, ये बैटरी है 42 वोल्ट की, तो यहाँ आ जाएगा 0 वोल्ट, यहाँ भी आ जाएगा 0 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 42 वोल्ट. इस जगह का वोल्टेज अगर अननोन है, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज लगेगा वो कितना लगेगा, एक्स माइनस जीरो, दैट इज ओनली एक्स वोल्ट. यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो अगर मुझे कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया और चार्ज और कैपेसिटेंस मुझे 4 पता, तो क्यू इक्वल टू सी वी से मेरा चार्ज निकल जाएगा फाइनली. तो सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अगेन सेम सिचुएशन, सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ. सो आई से एट दिस पॉइंट एक्स माइनस 42 अपॉन 8 प्लस एक्स माइनस 0 अपॉन 6 इक्वल टू 0. अब हम उसका एलसीएम लेते हैं. 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24. ओके, 24 सेट हो सकता है हमारा आराम से. सो 24 बनाना है तो हम इसको 3 कर लेते हैं और इसको हम 4 कर लेते हैं. तो सिचुएशन में कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3 2 जा 6 4 3 जा 12 126 प्लस 4x इक्वल टू 0. फाइनली 7x इक्वल टू 126. एक्स इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 7. 7 1 जा 7 5 रिमेनिंग 7 8 जा 56. तो व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस, दैट इज एक्स माइनस 0 मीन्स 18 वोल्ट. ये मेरा वोल्टेज आ गया. तो अगर अपन लोग फाइनल चार्ज निकालेंगे, क्यू इक्वल टू सी, दैट इज कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरड, 4 × 10^-6 फेरड इंटू वोल्टेज, वोल्टेज इज 8. सो फाइनल इट इज 18. सो 18 × 72 × 10^-6. और आपको 10^-5 में इसको एडजस्ट करना है, तो यू कैन से इट इज 7.2 × 10^-5 कूलम. अब आपको वैल्यू ऑफ द पी निकालनी है. इफ़ यू कंपेयर दिस विद दिस फाइनल आंसर, आई थिंक इट इज़ क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, पी इज गिवन बाई 7.2. सो फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ द पी इज 7.2.